लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 5 कंपनी लेखे अंशों ऋणों पत्रों का निर्गमन बी। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूं। मैं एक स्वयंपाठी विद्यार्थी हूं। मैं इस प्रकार पढ़ता हूं कि मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। प्रश्न एक, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार प्रत्येक वर्ग की पूंजी को किन रूपों में दर्शाना आवश्यक है? उत्तर, अधिकतम पूंजी, 2 निर्गमित पूंजी और 3 पार्थित पूंजी के रूप में दर्शाना आवश्यक है। प्रश्न 2, अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2.8 के अनुसार अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत पूंजी की अधिकतम राशि हो। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पूंजी की अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है, उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। इस पूंजी में दोनों प्रकार के अंशों, समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश को पृथक पृथक दर्शाया जाता है। प्रश्न 3, निर्गमित पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 250 के अनुसार निर्गमित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी द्वारा समय समय पर अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है। इस प्रकार निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का ही एक भाग है जिसे कंपनी द्वारा अभिदान के लिए निर्गमित किया गया हो। कंपनी द्वारा जनता को नगद धन या किसी अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमित किए गए अंशों के अंकित मूल्य को निर्गमित पूंजी कहते हैं। प्रश्न 4, पार्थिव पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 286 के अनुसार पार्थिव पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जो समय समय पर कंपनी के सदस्यों द्वारा पार्थित की गई हो। इस प्रकार पार्थित पूंजी या अविदत पूंजी निर्गमित पूंजी का एक भाग है जिसके लिए अभिदान किया जा चुका है। प्रश्न 5, मांगी गई पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 251 के अनुसार मांगी गई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसे भुगतान हेतु मांगा जा चुका हो। इस प्रकार पार्थिव पूंजी का यह भाग जिसे कंपनी द्वारा अंशधारियों से मांगा जा चुका है। प्रश्न 6, प्रदत्त पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 264 के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी से आशय जमा की गई उन धनराशियों के योग के समतुल्य से है जो निर्गमित किए गए अंशों पर प्रदत्त रूप से प्राप्त हो गई हो तथा इसमें कंपनी के अंशों के संदर्भ में प्रदत्त रूप में जमा की गई राशि शामिल है, लेकिन इसमें ऐसे अंशों के संबंध में प्राप्त अन्य राशि जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रश्न 7, बकाया मांग किसे कहते हैं? उत्तर, अंश पूंजी के संबंध में कंपनी द्वारा गई वह राशि जिसका अंशधारी ने भुगतान नहीं किया गया है बकाया मांग कहलाती है। प्रश्न 8, लेखांकन टिप्पणी में बकाया मांग को किस प्रकार लिखा जाएगा? उत्तर, बकाया मांग को अंश पूंजी शीर्षक में मांगी गई पूंजी से घटाकर लिखा जाता है। प्रश्न 9, क्या बकाया मांग राशि पर कंपनी द्वारा ब्याज वसूल किया जा सकता है? यदि हाँ तो कितना? हाँ, कंपनी द्वारा सारणी एफ के अनुसार 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जा सकता है। प्रश्न 10, अग्रिम मांग राशि क्या है? उत्तर, एक कंपनी को यदि उसके अंतर नियमों में वर्णित हो न मांगी गई मांग राशि के संबंध में प्राप्त राशि को स्वीकार कर सकती है जो अग्रिम मांग कहलाती है। प्रश्न 11, चिट्ठे में अग्रिम मांग राशि को किस शीर्षक से दर्शाया जाएगा?
उत्तर चिट्ठी में इसे चालू दायित्व शीर्षक के उपशीर्षक अन्य चालू दायित्वों के अंतर्गत दर्शाया जाता है। प्रश्न 12, क्या अग्रिम मांग की राशि पर कंपनी ब्याज दे सकती है, यदि हाँ तो कितना? हाँ, सारणी एफ के अनुसार अग्रिम मांग की राशि पर कंपनी 12% वार्षिक दर से ब्याज दे सकती है। प्रश्न 13, एक कंपनी अंशों का निर्गमन क्यों करती है? उत्तर, एक रोकड़ नगद राशि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए या दो रोकड़ के लिए कर सकती है। प्रश्न 14, रोकड़ के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन कब कहलाता है? उत्तर, जब किसी कंपनी द्वारा किसी व्यवसाय अथवा संपत्ति या सेवाओं के क्रय के बदले अंशों का निर्गमन किया जाता है तो ये रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन कहलाता है। प्रश्न 15, रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन कब कहलाता है? उत्तर, जब एक कंपनी को अंशों के निर्गमन की राशि चेक ड्राफ्ट या अन्य रूप से प्राप्त होती है तो ये रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन कहलाता है। प्रश्न 16, अंशों के निर्गमन पर राशि का भुगतान कितने प्रकार से हो सकता है? उत्तर, दो प्रकार से, एक आयदन पर एक मुश्त और दो संपूर्ण राशि किस्तों में। प्रश्न 17, आयदन पर एक मुश्त देय राशि क्या है? उत्तर, जब अंशों के निर्गमन पर समस्त राशि आवेदन पत्र के साथ देय हो एक मुश्त देय राशि कहलाती है। प्रश्न 18, संपूर्ण राशि किस्तों में देय कब कहलाती है? उत्तर, अंशों के निर्गमन की राशि विभिन्न स्तरों पर यथा आवेदन आमंत्रण तथा एक या अधिक मांगों पर देय हो तब किस्तों में देय राशि कहलाती है। प्रश्न 19, सार्वजनिक कंपनी किन दो में से एक प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है? उत्तर, ए, सम्मूल्य पर अंशों का निर्गमन या प्रीमियम पर ब्याजी पर अंशों का निर्गमन कर सकती है। प्रश्न 20, सम्मूल्य पर निर्गमन क्या है? उत्तर, जब अंशों को उनके अंकित मूल्य पर ही निर्गमित किया जाता है तो इसे सम्मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। जैसे एक कंपनी द्वारा 10 वाले किसी अंश का निर्गमन ₹10 प्रति अंश करना। प्रश्न 21, प्रीमियम पर ब्याजी पर निर्गमन क्या है? उत्तर, जब अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो ये अंशों का प्रीमियम पर या पर ब्याजी पर निर्गमन कहलाता है। जैसे एक कंपनी द्वारा ₹10 वाले अंशों का निर्गमन ₹15 प्रति अंश की दर पर करना। प्रश्न 22, क्या कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती है, यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर, पूर्व में कंपनियां अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर भी कर सकती थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है। धारा 54 के अनुसार स्वेच्छ क्षमता अंश बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। प्रश्न 23, बट्टा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? उत्तर, सामान्यतः किसी उत्पाद पर निर्माता द्वारा छूट या कटौती जो अंकित मूल्य से कम करके दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक व्यापारी बट्टा व दो नगद बट्टा। प्रश्न 24, व्यापारी बट्टा किसे कहते हैं? उत्तर, जब निर्माता अपने ग्राहक को अंकित मूल्य अथवा विक्रय मूल्य पर एक निश्चित दर से कटौती देता है तो उस छूट या कटौती को व्यापारी बट्टा कहते हैं। प्रश्न 25, नगद बट्टा किसे कहते हैं? उत्तर, ग्राहक को तुरंत अथवा एक निश्चित अवधि के अंदर नगद भुगतान करने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है उसे नगद बट्टा या रोकड़ बट्टा कहते हैं। प्रश्न 26, क्या बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है? उत्तर, हाँ, नगद बट्टा का लेखा पुस्तकों में अवश्य किया जाता है। बट्टा दिए जाने पर बट्टा खाता डेबिट किया जाता है और बट्टा प्राप्त होने पर बट्टा खाता क्रेडिट किया जाता है।
प्रश्न 27, स्वीट समता अंश किसे कहते हैं? उत्तर, स्वीट समता अंश से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जो कंपनी के कर्मचारी या किसी अन्य लाभ प्रदाता या हितेशी का रियायती मूल्य पर आमंत्रित किए गए हों। प्रश्न 28, अंश निर्गमन की प्रक्रिया क्या है? उत्तर, एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन हेतु कंपनी अधिनियम 2013 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। प्रश्न 29, कंपनी अधिनियम 2013 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उत्तर, एक, प्रविवरण निर्गमन, दो, अंशों के लिए आवेदन, तीन, अंशों को आवंटन और चार, अंशों पर मांग। प्रश्न 30, प्रविवरण का निर्गमन क्या है? उत्तर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार प्रविवरण एक लिखित सूचना परिपत्र या अन्य प्रलेख होता है जो एक समामेलित संस्था की प्रतिभूतियों का क्रय या आविधान करने हेतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, अर्थात प्रविवरण जनता को सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूति क्रय करने के लिए दिया जाने वाला आमंत्रण है। प्रश्न 31, प्रविवरण निर्गमन में कौन सी बातों का उल्लेख होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, प्रविवरण में सामान्यतः कंपनी का इतिहास, मुख्य उद्देश्य, वर्तमान व्यापार, परियोजनाओं की जानकारी एवं प्रबंध आदि का विवरण दिया जाता है। अंश निर्गमन हेतु एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण का निर्गमन करती है। प्रश्न 32, अंशों के लिए आवेदन क्या है? उत्तर, प्रविवरण के आधार पर जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदना चाहते हैं वे निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक निर्धारित राशि के साथ कंपनी के बैंक में जमा कराते हैं। प्रश्न 33, आवेदन पत्र के साथ जो राशि जमा कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, उसे आवेदन की राशि कहते हैं। प्रश्न 34, आवेदन पर कितनी राशि प्राप्त करना आवश्यक है? उत्तर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39(2) के अनुसार आवेदन प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य का कम से कम 5% प्राप्त करना आवश्यक है या वह धनराशि जो सेबी द्वारा कानून बनाकर इस संबंध में निर्धारित की जाए। तदनुसार अंश आवेदन राशि अंश के निर्गमन मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 35, अंशों का आवंटन किसे कहते हैं? उत्तर, अंशों के आवंटन से आशय अंशों का आवेदकों के मध्य बंटवारा करने से हैं। ये कार्य संचालक मंडल द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत किया जाता है। एक आवेदक को अंश आवंटित होने के उपरांत ही वह अंशधारी बनता है। अंश आवंटन से पूर्व एक सार्वजनिक कंपनी किन प्रावधानों का पालन करना होता है? उत्तर, न्यूनतम अभिधान प्रतिभूति के अभिधान हेतु आवेदन प्राप्त राशि को जमा रखना, तीन, न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त करने की अवधि, चार, स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन, पाँच, आवेदन प्राप्त जारी करना, छः, रजिस्ट्रार को आवेदन आवंटन रिटर्न भेजना, सात, अंश प्रमाण पत्र और आठ, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन आदि प्रावधानों को पूर्ण करने के उपरांत ही एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन किया जा सकता है। प्रश्न 37, अंशों के आवंटन से पूर्व कंपनी को कितना न्यूनतम अभिधान प्राप्त होना चाहिए? उत्तर, धारा 39(1) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं किया जा सकता है कि जब तक कि प्रविवरण में वर्णित न्यूनतम राशि के लिए अभिधान प्राप्त न हो जाए। सेबी के निर्देशों के अनुसार कंपनी तब तक आवंटन नहीं कर सकती जब तक कि उसे संपूर्ण निर्गमन के कम 90% के बराबर अभिधान प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रश्न 38, कंपनी द्वारा जनता से प्रतिभूति के आवेदन हेतु आवेदन पर प्राप्त राशि का क्या किया जाता है? उत्तर, धारा 40(3) के अनुसार कंपनी द्वारा जनता से
प्रतिभूति के अभिदान हेतु आवेदन से प्राप्त राशि को अनुसूचित बैंक में पृथक से खोले गए खाते में जमा रखना आवश्यक है। प्रश्न 39, अंशों के आवंटन से पूर्व कंपनी द्वारा न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त करने की अवधि क्या है? उत्तर, धारा 39(3) के अनुसार यदि किसी कंपनी को त्रय विवरण निर्गमन की तिथि से 30 दिनों या सेबी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी को आवेदन पर प्राप्त धनराशि को निर्धारित समय में निर्धारित विधि से लौटाना होगा। न्यूनतम अभिदान राशि की गणना के लिए अंशों की उन रकमों को शामिल नहीं किया जाएगा जो मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में देय हो। प्रश्न 40, स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन क्या है? उत्तर, जनता को अंश निर्गमन से पूर्व एक कंपनी को एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उन अंशों के लेन देन की अनुमति हेतु आवेदन करना होता है। इन एक्सचेंजों के नाम प्रय विवरण में देना होता है जहां ऐसा आवेदन किया गया है। प्रश्न 41, आवेदन पत्र जारी करना क्या है? उत्तर, जिन आवेदकों को अंशों का आवंटन किया गया है कंपनी सचिव उन आवेदकों को आवंटन पत्र भेजता है। जिन आवेदकों को कोई अंश आवंटित नहीं किए गए हैं तो उन्हें खेद पत्र के साथ उनसे प्राप्त आवेदन राशि उचित माध्यम से लौटा दी जाती है। प्रश्न 42, रजिस्ट्रार को आवंटन रिटर्न भेजना क्या है? उत्तर, आवंटन कार्य पूर्ण हो जाने के बाद कंपनी को आवंटन के 30 दिनों के भीतर अथवा रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास आवंटन रिटर्न भेजना होता है। इस रिटर्न के साथ ही कंपनी सचिव या एक संचालक द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र भी भेजा जाता है कि कंपनी द्वारा आवंटन संबंधी सभी समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है। प्रश्न 43, अंश प्रमाण पत्र क्या है? उत्तर, अंश प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अंशों पर किसी सदस्य के अधिकार होने के मूल प्रमाण है। धारा 46(1) के अनुसार कंपनी की सार्व मुद्रा के अनुसार जारी किया गया प्रमाण पत्र इस बात का प्रथम दृष्टा साक्ष्य है कि उसमें लिखित अंशों का वह स्वामी है। ये प्रमाण पत्र अंशधारी के स्वामित्व का प्रथम दृष्टा साक्ष्य है। संयुक्त स्वामियों में से प्रथम नामित स्वामी को अंश प्रमाण पत्र की दी गई सुदूरपिकी को सुदूरपिकी मानी जाती है। प्रश्न 44, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन क्या है? उत्तर, अंशों के अभिदान हेतु जनता को आमंत्रित करने हेतु किए गए प्रस्ताव को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन प्रस्ताव कहा जाता है। प्रश्न 45, अंशों पर मांग क्या है? उत्तर, आवेदन पत्र के साथ एवं अंश आवंटन पर मांगी गई राशियों के पश्चात यदि अंशों पर देय राशि का कुछ भाग शेष रहता है तो कंपनी इस राशि को किस्तों में वसूल करती है। ऐसी प्रत्येक किस्त अंशों पर याचना या मांग कहलाती है। अंशों पर मांग कंपनी के अंतर्नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। प्रश्न 46, किसी कंपनी में यदि अंशों पर मांग के संबंध में अंतर्नियमों में प्रावधान न हो तो क्या किया जाएगा? उत्तर, कंपनी के अंतर्नियमन न हो या अंतर्नियमों में अंशों पर मांग का प्रावधान न होने की स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी एफ को प्रावधान लागू होंगे। प्रश्न 47, कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी एफ में अंशों पर मांग के क्या प्रावधान है? उत्तर, एक, दो मांगों के मध्य कम से कम एक माह का अंतर होना आवश्यक है। दो, किसी भी मांग की राशि अंशों में अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होगी। तीन, अंशधारकों को राशि चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। चार, एक ही वर्ग के सभी अंशों पर मांग की राशि एक समान होनी चाहिए। पाँच, यदि कोई अंशधारी अंशों पर देय मांग की राशि का निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करता है तो कंपनी बकाया राशि पर भुगतान की देय तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक की अवधि पर 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल कर सकती है। प्रश्न 47,
कुछ अंशधारियों द्वारा न मांगी गई राशि को आमंत्रण या मांग राशि के साथ भेज दिया जाता है जो भविष्य की मांगों से संबंधित होती है। सारणी एफ के अनुसार उसका क्या किया जाता है? उत्तर, यदि कंपनी के अंतर नियमों में वर्णित हो तथा संचालन मंडल उचित समझे तो इस अग्रिम याचना राशि को स्वीकार कर सकता है। इस अग्रिम प्राप्त राशि पर अग्रिम अवधि के लिए अधिकतम 12% वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। धन्यवाद।